हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और सरकारी जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की तरफ से। ऑफिस अटेंडेंट यानी कि जो आपका होता है कार्यालय परिचारी, उसका वैकेंसी आया है। ग्रुप डी का पोस्ट होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो अगर आप भी इसके बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप वहां पर भी चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए, आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, बिहार विधानसभा में ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट आई है। ऑफिस अटेंडेंट क्या होता है? कार्यालय परिचारी। इसके तहत तीन तरह के पोस्ट रहेंगे। रात्रि प्रहरी का रहेगा, दरबान के लिए और सफाई कर्मी का रहेगा। इन तीनों ही पोस्ट के लिए जो आपका अप्लाई डेट है 18th of March, यानी कि आज से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 2nd April। अब बात करते हैं कि फॉर्म की फी क्या रहेगी। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट सबसे 300 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल, जो कि बिहार डोमिसाइल की फीमेल होंगी, उनसे 150 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि किस तिथि के अनुसार गणना होगी। एज ऑन 1st of January 2024, 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 37 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ ये जो अपर एज होता है, इसमें आप, इसकी लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो जनरल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट है, उनको 3 वर्ष का मिलेगा। मतलब कि जो अनारक्षित वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है, उनके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष हो जाएगा। ओबीसी और एससी के मेल फीमेल दोनों के लिए 3 वर्ष, इनके लिए भी 18 वर्ष से 40 वर्ष। एसटी कैंडिडेट जो मेल फीमेल होंगे, उनको 5 वर्ष, 18 वर्ष से कितना वर्ष हो गया, 42 वर्ष। आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन प्लस इलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन सिंपली डिमांडेड है 10th pass out कैंडिडेट। डजंट मैटर कि आपका क्या परसेंटेज है, आपने इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक कर रखा है, आप इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और एक और यहाँ पर एक चीज यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। आई होप कि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन आपको स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका चयन होता है। देखिए फ्रेंड्स, 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहले स्टेज पर आपका रिटेन एग्जाम होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर सीट पे पेन एंड पेपर मोड से। डीवी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए देखिए पहले स्टेज पर जो एग्जाम पैटर्न, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले ही बता दिया है कि ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर में होंगे 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 आपको 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, समय रहेगा 2 घंटे और उसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का। सो बी अवेयर, सोच समझ के ही टिक करिएगा। और आपका पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पेपर रहेगा। साथ ही साथ देख लीजिए लेवल क्या होगा। 10th level का आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, तो 10th level का ही एग्जाम होगा, आसान होगा। चलिए अब विषय वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन होगा। जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन से होंगे 40 प्रश्न, उसके बाद जनरल साइंस और मैथ, मतलब कि सामान्य विज्ञान और गणित को कंबाइन करके 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन विज्ञान का, 15 क्वेश्चन गणित का होगा। उसके बाद आपका रीजनिंग से होगा 30 क्वेश्चंस। तो आपको बताया है कि इसको पास करने के बाद आपका डीवी मेडिकल होगा, तो पासिंग मार्क्स मिनिमम कितना परसेंट होगा।
जनरल कैंडिडेट के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 32%। तो जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे इस क्राइटेरिया को, ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो कहाँ पे आपको जॉब करना होगा। पहले ही बता दिया है कि बिहार विधानसभा सचिवालय पटना में आपको जॉब करना होगा। जॉब करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगा, आइए मैं बता देती हूँ। लेवल वन की सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 18,000, मतलब 18,000 से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस हर साल सैलरी में कुछ बढ़ोतरी होती है, उसके बाद हर महीने की सैलरी आपकी 56,900 रुपया हो जाती है। सो आई होप सारा डिटेल आप समझ गए होंगे। चलिए चलते चलते ये भी बता देती हूँ कि टोटल कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी आया है। टोटल पोस्ट आपका 26 है। आई होप आप सारा कुछ डिटेल समझ गए होंगे जो कुछ भी मैंने आपको बताया इस पोस्ट के रिगार्डिंग। कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आके आप क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।